बस कर रही हूँ, मुझे ये अच्छा लगा। ऊपर जाओ वैसे मैं बोल रहा हूँ कि फूड कोर्ट में हमें रश होगा। रेस्टोरेंट फूड कोर्ट के बगल में ही है। पिज्जा भी चलेगा? हाँ पिज्जा ही है। हाँ पिज्जा शॉपिंग खा भी लिया हमने ओबेरॉय मॉल में, और अभी आज मैंने कुछ चाय पीनी है यहाँ की। यहाँ पे जब मैं जूनी कर रहा था तो यहाँ पे एक शॉप है, आपने देखा होगा पहले, मलाई पाव एंड चाय मैं कभी कभी खाने आया करता था, तो आज दीपिका का वो मन कर रहा है खाने का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब देख माटूब चैनल अलीना रिएक्शन। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि शोएब इब्राहिम का बिग बॉस 18 में जाना हुआ कंफर्म। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि सोशल मीडिया पर शोएब इब्राहिम के बिग बॉस में जाने वाली खबरें काफी सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि दीपिका शोएब इब्राहिम दोनों मिलकर कर रहे हैं शॉपिंग, और शोएब की बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रही हैं तैयारियां। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि शोएब इब्राहिम बिग बॉस से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। वो किस लिए? काफी ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं कि शोएब बिग बॉस में एंड तक नहीं रह पाएंगे, जिस तरह से दीपिका ने हैंडल किया है बिग बॉस में रहकर। जैसा कि शोएब इब्राहिम ने झलक दिखलाजा में एंड तक मेहनत की लेकिन विनर नहीं बन पाए, तो विनर बनने पर काफी सवाल भी उठाए गए थे शोएब के ऊपर, काफी लोगों ने गिराने की कोशिश की। लेकिन काफी ऐसे फैंस हैं जो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, फैंस का प्यार है शोएब के लिए, जिसमें फैंस का कहना है कि शोएब अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार को जोड़ा हुआ है, तो यही सब बिग बॉस में होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शोएब परिवार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, बीवी हो, या फिर बाप बनने का हक अदा करना, वो बखूबी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तो यही सब बिग बॉस में देखा जाता है कि वो वहाँ पर नए दोस्त बनाते हैं या उन्हें दुश्मन बनाते हैं, उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, जिससे फैंस को पूरा यकीन है कि शोएब इब्राहिम विनर जरूर बनेंगे। बिग बॉस में जो देखा जाता है ज्यादा, तो इतना शांत स्वभाव का इंसान भी नहीं देखा जाता, वहाँ पर गेम खेलना पड़ता है। बिग बॉस हाउस एक ऐसा घर है जिसमें अपनी तेजी भी दिखानी होती है, चालाकी भी दिखानी होती है, और दोस्तों और लोगों के साथ रहने वाला जो हुनर है वो भी दिखाना होता है। तो हमें लगता है कि शोएब के अंदर ये सारी क्वालिटी है। आपने देखा होगा कि शोएब बहन का रिश्ता हो, बीवी का हो, माँ बाप का हो, सास ससुर हो, या फिर औलाद का, या फिर बाहर दोस्ती का हो, तो कभी भी शोएब को उन रिश्तों से भागता हुआ नहीं देखा गया, उनको पूरी ईमानदारी से निभाते हुए देखा गया। हालांकि जैसे ही शोएब का व्लॉग आता है तो उस व्लॉग को लेकर काफी सवाल उठाए जाते हैं हर व्लॉग में, ये नहीं कि एक ही व्लॉग हो या उनकी एक दो कमियों को ढूंढ कर उस पर ही बात की जाए। जब भी शोएब हो या दीपिका, सबा इब्राहिम, किसी को भी लेकर इब्राहिम फैमिली पर बातें आती हैं तो बहुत ज्यादा ट्रॉल किया जाता है। तब आपने देखा होगा जब शोएब इब्राहिम झलक में काम कर रहे थे, उस वक्त शोएब को काफी बदनाम करने की कोशिश की गई थी कि शोएब शायद एंड तक जाए, लेकिन सबकी कोशिशें नाकामयाब रही। उनके लिए एंड तक बने रहना ये बहुत बड़ी बात थी। शोएब को नीचे गिराने के लिए उनके रिश्तेदार भी आए लेकिन उनकी भी ज्यादा नहीं चल पाई। हालांकि वो विनर नहीं बन पाए लेकिन एंड तक रहना ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। उन्होंने ये बात खुद कही थी कि मुझसे डांस नहीं आता था लेकिन मैंने मेहनत की और मेरे फैंस ने मेरा साथ दिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही शोएब ने दीपिका से शादी की तभी से इनके ऊपर काफी सवाल उठने लगे थे, काफी ट्रॉल भी ये जोड़ी हो रही थी। तभी यही कहा गया था कि शोएब और दीपिका की ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। अब सबको गलत साबित करते हुए शोएब एक पति होने का बहुत अच्छे से हक अदा कर रहे हैं, और दोनों के प्यार के चर्चे सोशल मीडिया पर काफी देखे जाते हैं और सुने जाते हैं। किसी को यकीन नहीं था कि दीपिका शोएब इतने लंबे समय तक रह सकते हैं, आज वो एक बच्चे के माता पिता भी हैं। जैसे ही शोएब दीपिका सालों बाद पेरेंट्स बने तब भी सवाल उठाए गए उनके बच्चे को लेकर, उनके प्रेगनेंसी को लेकर। शोएब दीपिका ने एक दो बार ट्रोलर्स को जवाब भी दिया लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं। अब जैसे ही ये खबरें बिग बॉस वाले आती हैं सामने कि शोएब का कंफर्म हुआ है बिग बॉस 18 में जाना, तो
तो फिर से बातें स्टार्ट हो गई हैं कि शुएब नहीं जीत पाएंगे, जिस पर शुएब इब्राहिम के खुद के पापा ने भी कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, वहाँ लड़ना होता है। ये बात सही है, वहाँ लोगों का सामना करना होता है, तो पापा को ये यकीन है कि उनका बेटा लड़ने झगड़ने वाला नहीं है, ज़्यादा बात करने वाला नहीं है। लेकिन जब शुएब ने पापा से कहा कि दीपिका तो विनर बनकर आई है, तो तब पापा ने कहा कि तुम तेज नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे, यानी कि दीपिका तेज है, यानी कि ये इशारा नहीं था पापा का, पापा का ये इशारा था कि दीपिका जो है वो लोगों को जवाब देना अच्छे से जानती है और कैसे लोगों को फेस करना है, वो टैलेंट दीपिका में है लेकिन शुएब में नहीं है। शुएब के हालांकि इतने ज़्यादा दोस्त नहीं, आपने भी देखा होगा और ज़्यादा आपने देखा होगा कि वो मीडिया के सामने या फिर टीवी एक्टर्स के साथ ज़्यादा नहीं देखा जाता, वो काम से काम रखते हैं, अपने कुछ दोस्त हैं उनके, थोड़े बहुत ही हैं, कुछ दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन शुएब की ज़्यादा टीवी एक्टर्स से दोस्ती नहीं है, आपने उनके यहाँ पर शादी भी देखी होंगी, बहुत कम ही लोग आए थे टीवी एक्टर्स, और ज़्यादातर जो दीपिका के थे वही शामिल हुए, लेकिन शुएब के ज़्यादा कुछ खास लोग नहीं आए थे, ज़्यादातर दीपिका के ही थे। हालांकि शुएब इब्राहिम ने अपनी बहन सबा की शादी काफ़ी धूमधाम से की थी, मौदा में भी आपने देखा होगा किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी, और उन्होंने मुंबई में भी आकर रिसेप्शन किया अपनी बहन की शादी का, तो वहाँ पर भी उन्हें काफ़ी प्यार मिला। अब जैसे कि शुएब हर चीज़ में मेहनत करते हैं, तो हमें लगता है कि बिग बॉस में भी वो ज़रूर मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि दीपिका काफ़ी सपोर्ट करती है शुएब को, क्योंकि शुएब हिम्मत हार जाते हैं लेकिन दीपिका हिम्मत देती है शुएब को, तभी शुएब आगे कदम बढ़ा पाते हैं। शुएब खुद इस बात को कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाता अगर मेरे साथ दीपिका खड़ी नहीं होती, क्योंकि कहते हैं ना कि बीवी का साथ होना एक अच्छी, ये बहुत बड़ी बात होती है, तो शुएब इब्राहिम को बहुत अच्छी बीवी मिली है जो दीपिका है। दीपिका शुएब की ज़िंदगी में रूहान का आना बहुत बड़ी बात है, हर किसी का मानना यही है कि रूहान दीपिका शुएब के लिए लकी है। जैसे ही दीपिका की प्रेगनेंसी होती है तो दीपिका शुएब के लिए एक के बाद एक रास्ते खुलते गए, जो उनके सपने पूरे होने थे, अधूरे थे, वो पूरे हो गए। और फैंस काफ़ी टाइम से शुएब इब्राहिम को बिग बॉस में देखना चाहते थे, तो खैर आज उनका ये सपना पूरा हुआ, फैंस काफ़ी खुश हैं इस खबर से कि शुएब जा रहे हैं बिग बॉस 18 में। और बताया जा रहा है कि बिग बॉस 18 में काफ़ी तेज तर्रार लोगों का सामना करना पड़ सकता है शुएब को। बताया जा रहा है कि बिग बॉस 18 में जो कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई है, तो उसमें एक से बढ़कर एक तर्रार इंसान है जो कि शुएब इब्राहिम के ऊपर काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। इनका सामना करना शुएब के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर इंसान सही है और लगन है, यही बातें झलक दिखला जा शो करते वक्त शुएब इब्राहिम के सामने आई थी, लेकिन उन्होंने दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते गए। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में शुएब इब्राहिम विनर बन पाएंगे? क्या वो बिग बॉस 18 हाउस में लोगों का सामना कर पाएंगे या नहीं? लेकिन हमें पूरी उम्मीद है वो कर पाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।